नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। एक लग्जरी गाड़ी और उस गाड़ी में लगे भारतीय जनता पार्टी के झंडे को देखकर आप भी इस गलत फहमी में हो सकते हैं कि शायद इस गाड़ी में कोई बीआईपी या फिर भारतीय जनता पार्टी का नेता मौजूद हो। लेकिन कई दफा ऐसी गाड़ियों और झंडों का दुरुपयोग होता है। इसका एक ताज़ा उदाहरण कटनी जिले से सामने आया है, जहां कोतवाली पुलिस ने ऐसी ही एक गाड़ी के भीतर चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश नकली जेवरात और असली जेवरात का खेल करते थे और लोगों को ठगते थे। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। झंडा लगा हुआ है उसमें और बकायदा बीजेपी की गाड़ी पूरी यूज़ की जा रही है, बीजेपी का नाम दिया जा रहा है। नहीं देखिए, बीजेपी की गाड़ी का भी हम ये नहीं कह सकते किसकी गाड़ी है, हम ठीक रहने वाले हैं, ये उसकी पूछताछ करेंगे, ये किस पार्टी से संबंधित है ये हमें अभी जानकारी नहीं है, पूछताछ करके जानकारी होगी बताएंगे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। Facebook पर इस खबर को देख रहे थे तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।